हजरत गेस्ट को लेके बोल दो बाबू बोल दो। भाई ग्राउंड खाली करो, भाई ग्राउंड खाली करो। जोरदार ताली हो जाए जोर से। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी, जिनके ऑर्गेनाइज तिलजिला नोवेलियो यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज पे ये शुरू होगा थोड़ी ही देर में। इसके बाद वाला ज़ारा स्पोर्टिंग क्लब गैलेक्सी बॉयज, वो लोग भी रेडी रहे, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है।
और हमारे गेस्ट मैदान में जा चुके हैं प्लेयर लोग से मिलने के लिए। रिजवानुर रहमान मेमोरियल ट्रॉफी जिनके ऑर्गेनाइज तिलगेला नोबिडी यूनियन क्लब की जानिब से हो रहा है और सब प्लेयर्स हमारे लाइन पे खड़े हो चुके हैं। और हमारे मेहमान मैदान पे जा चुके हैं। हेलो हेलो, ऐतिहासिक पल का जो इंतजार था अब शुरू होने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ रिजवानुर रहमान मेमोरियल ट्रॉफी हमारे बीच पूरी स्पोर्टिंग क्लब और अरिबा स्पोर्टिंग क्लब मौजूद है और साथ में हमारे गेस्ट श्री माखनलाल दास, श्री रुकबानुर रहमान, श्री सुशील कुमार शर्मा और वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब इरफान साहब मौजूद है। मैं हमारे गेस्ट से गुजारिश करूंगा आप आए और हमारे प्लेयर लोग से मुसाफा करके उनसे कॉन्ग्रेचुलेट करें। प्लीज वेलकम, एक जोरदार हाथ ताली हो जाए। आप मिल रहे हैं पूरी स्पोर्टिंग क्लब। सभी गेस्ट आप सब देख रहे हैं, सब प्लेयर से प्लेयर को विश कर रहे हैं कि खेला अच्छा हो, खेल अच्छा करे। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा रुकबानुर रहमान साहब से। पूछ ले। अब जो है फायर वर्किंग आप देखिएगा, फायर लड़का लोग ने हमारे यंग जनरेशन ने इंतजाम किया है फायर वर्क का, लिहाजा इसका आप मजा ले, आनंद ले फायर वर्क का। थोड़ा पीछे हट जाए, एक जोरदार हाथ ताली हो। लाइट बंद करो भाई, लाइट सब बंद करो तब मजा आएगा। रितेश जहां भी हो जफर से मुलाकात करें, मैदान के बीच में हम लोग हैं। रितेश सारफी चलाइए।
जोरदार ताली हो, जोरदार ताली हो। बहुत मेहनत की है हमारे जितने क्लब के गवर्निंग बॉडी से, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। ये जोरदार धमाका देख रहे हैं फिल जगह नोबलमैन यूनियन क्लब के गवर्निंग बॉडीज, ये इंतजाम किए हैं रिजवानुर रहमान मेमोरियल ट्रॉफी के लिए। अब जो आप देख रहे फायर वर्क, जोरदार हाथ ताली हो, और तिलजला नोबलमैन क्लब के नाम से एक जोरदार हाथ ताली हो, और इन बच्चों के नाम से एक जोरदार हाथ ताली हो। हसरत जफर है इसमें, इरशाद अली है, मजला है, सयम है, वसीम है, नसीम है, जफर है, सब्बीर है, गोदू इकबाल, जावेद एंड ऑल मेंबर्स। इन लोगों का मेहनत बहुत, आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। ये तो हो जाए। इसके बाद लाइट ऑन प्लीज। इसके बाद मैं रुकबानुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस गेम का शुरुआत करें फीता काट के। मैं गुजारिश करूंगा फीता पहले काटे। अभी हमारे MLA चापड़ा के विधायक जनाब रिजवानुर रहमान साहब इस टूर्नामेंट के आगाज फीता काट के कर रहे हैं। रिजवानुर रहमान इस टूर्नामेंट का आगाज कर रहे हैं फीता काट के, रिबन काट करके। एक जोरदार ताली हो। और मैं गुजारिश करूंगा रुकबान भाई से वो बॉल में शूट मार करके शुरू करे। रुकबान भाई बॉल में शूट मार। एक टाइम मैं बता देना चाहता हूं, एक टाइम रुकबानुर रहमान इस मैदान के चैंपियन थे। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी भी हम लोग खेला है इस मैदान में, और आज वो ओपनिंग करने जा रहे हैं। गोलकीपर सुशील दा, चलिए 1 2 3 दाना तरफ गोल। दादा होल्ड ऑन प्लीज, ओपनिंग शॉट। गोलकीपर माकोंदा प्लीज एटा जोरदार शॉट, एटा जोरदार, एटे जोरे हाथ तालियो, एक टू जोरे हाथ तालियो। बाह गोल। एबार आमी हम तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूँ मैदान खाली करे, और तमाम गेस्ट से गुजारिश करता हूँ स्टेज में पहुंचे। हेलो, ग्राउंड खाली करे भाई। ग्राउंड का भार जो। ओ भाई, ग्राउंड खाली करे भाई। ग्राउंड खाली करे भाई। बूट अलाउ नहीं है भाई। कैप्टन प्लीज।
ग्राउंड खाली करे भाई। हेलो, इस टूर्नामेंट में अगर सक्सेसफुल होने का एक ही कारण है हम लोग के आसिफ भाई, जो कि हम लोग के बहुत योगदान किए हैं और हम लोग के संग अभी तक खड़े हैं मैदान पर। ग्राउंड खाली करे भाई। जो जो बाहर में बाइक रखे हैं टेढ़ा बाका करके, गाड़ी जाने में तकलीफ हो रहा, आप लोग गाड़ी तरीका से रखे हैं। जो बाइक रखे हैं बाहर में वो थोड़ा सही रखे कि गाड़ी आने जाने में तकलीफ ना हो। अब शुरू होने वाला है रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी नोबिनियो यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज से। ग्राउंड खाली करे भाई। हेलो, मैदान से सबको बाहर निकाले भाई, मैदान में बहुत ज्यादा गैदरिंग हो गया है, मैदान को खाली करें।
दिए तो भाई हमारे इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे किया जा रहा है और वो वेबसाइट का नाम है चारुलता। आप चारुलता सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, जहां पर इस टूर्नामेंट का लाइव दिखाया जा रहा है। चारुलता स्क्रीन में भी दिया हुआ है शायद नाम, आप देख सकते हैं चारुलता। अगला खेला का जारा स्पोर्टिंग क्लब गैलेक्सी बॉयज, आप लोग रेडी रहे अगला खेला। इस टूर्नामेंट में हमारे दादा और आसिफ भाई का बहुत बड़ा योगदान है, ये सब लाइटिंग। और हमारे लेफ्टी रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख ही रहे मैदान पे। एक लेडीज एक जेंट्स, ये दोनों खिलाएंगे। खेल का आगाज हो चुका है। फॉल कई सारा पोस्ट के बाहर, गोल किक। अच्छा सेव गोल की का, बहुत अच्छा शॉट, अच्छा खेला देखने को मिल रहा है। कॉर्नर, वॉलंटियर बॉल बाहर गया, बॉल को देखें, बॉल पर ध्यान दे वॉलंटियर। अच्छा पास, और ये फॉल का इशारा। अच्छा सेव गोलकीपर का, बहुत अच्छा सेव।
अच्छा पंच और गोलकीपर का अच्छा सेंटर था, कॉर्नर का इशारा, रेफरी का वॉलंटियर बॉल देखे, वॉलंटियर थोड़ा बॉल का तरफ ध्यान दे, और ये थोड़ा सा के लिए बच चुके, नहीं तो गोल हो सकता था। और लेफ्टी के नजर से नहीं कोई बच सकता, फॉल फॉल है। नेक्स्ट मैच गैलेक्सी बॉयज वर्सेस ज़ायरा स्पोर्टिंग क्लब, जल्द से जल्द अपना प्लेयर लिस्ट दे। वॉलंटियर बॉल देखे, वॉलंटियर बॉल देखे, अच्छा कोशिश। और ये ओपन नेट मिस,
और ये बहुत ही खूबसूरत गोल। খুবই সুন্দর এবং উত্তেজনামূলক খেলা চলছে দুই টিমের মধ্যে। মঞ্চে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আপনারা তো ইতিমধ্যেই জেনেছেন দেখেছেন, শুভ উদ্বোধন হয়েছে আজকের এই বিরাট তিন দিনের ফুটবল টুর্নামেন্টের। এই টুর্নামেন্টের আয়োজক হচ্ছেন তিলজলা নোবেলম্যান ইউনিয়ন ক্লাব, আপনারা জানেন। এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে গিয়ে আমাদের নানানভাবে সহযোগিতা করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা, আমাদের তৃণমূল 65 ব্লক প্রেসিডেন্ট, বর্তমান ব্লক প্রেসিডেন্ট মাননীয় শ্রী সুশীল কুমার মহাশয়। আমরা ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের তরফ থেকে আমরা দাদাকে বিশেষভাবে সম্বর্ধনা দিতে চাই এবং আমাদের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব শ্রী রুকমানুর রহমান সাহেব উপস্থিত আছেন, চাপড়ার বিধায়ক এবং আমাদের একদম ঘরের ছেলে। ওনার সহযোগিতা, ওনার উপদেশ না পেলে এই সুন্দর ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ত। এছাড়া যার নাম না বললেই নয়, এখানে আছেন আসিফ ভাই। আসিফ ভাই এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে গিয়ে আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নানানভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও আমাদের এলাকার নানান উন্নয়নমূলক কল্যাণমূলক কাজে আমাদের দাদা সুশীল কুমার মহাশয় এবং মাননীয় কাউন্সিলর পৌরমাতা শ্রীমতী নিবেদিতা শর্মা, তাকেও আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি, তারও নানানভাবে সহযোগিতা। আমাদের নানান উন্নয়নমূলক কাজে আমাদের পৌরমাতা বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন এবং এছাড়া আমাদের দাদার সঙ্গে আরও অনেক সহযোগী আছেন, তারাও আমরা যখনই যাই দাদার কাছে যে কোনো রকম আবেদন নিবেদন নিয়ে সমস্ত কাজে দাদার আমাদের সহযোগিতা করেন। আজকের এই বিশেষ নিয়ে সমস্ত কাজে দাদার আমাদের সহযোগিতা করেন করছি এবং আশা রাখছি আগামী দিনেও ভবিষ্যতেও আমরা সকলের সহযোগিতা পাবো। গোল হয়ে গেল, গোল হয়ে গেল, দুটি গোল হয়ে গেছে। এই উত্তেজনামূলক খেলার ইতিমধ্যে গোল হয়ে গেল, দুটি গোল হয়ে গেছে। এই উত্তেজনামূলক খেলার ইতিমধ্যে পানি লেগে যাও। হ্যালো হ্যালো, अब हमारे इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में हमारे सुशील दा और आसिफ भाई बहुत ही साथ दिए हैं। अभी हम जो है उनको स्वागत करते हैं और उनको संवर्धना देने के लिए उत्तरीय और बैस से उनका स्वागत करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं असगर भाई आप आए और सुशील कुमार शर्मा जी को बैस से उनको कबूल करें, ग्रहण करें। মাননীয় আমাদের শ্রদ্ধেয় সুশীল কুমার শর্মা সাহেবকে আমরা আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে বরণ করে নিচ্ছি। আমাদের ক্লাবেরই সিনিয়র সদস্য, সিনিয়র সদস্য জনাব আসগর হোসেন সাহেব উত্তরীয় পরিয়ে
এই আমরা আমাদের সুশীল দাকে বরণ করে নেব। আমি অনুরোধ করছি আমাদের আমাদের সম্পাদক সেক্রেটারি শ্রী ইরশাদ ইরশাদকে আমি অনুরোধ করছি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে উত্তরীয় মাধ্যমে আমরা সংবর্ধিত করতে চাই। জনাব Galaxy Boys, Zaira Sporting, जल्द से जल्द अपना प्लेयर लिस्ट दे। সেই বিশেষ মুহূর্ত জনাব আমাদের আসগর হোসেন সাহেব উত্তরীয় মাধ্যমে সুশীল দাকে বরণ করে নিচ্ছেন। আমরা জোরে হাততালির মাধ্যমে আমরা এই বিশেষ মুহূর্তটাকে আমরা পেতে চাই। সকলকে আমি অনুরোধ করছি একটা জোরে হাততালি হোক আমাদের দাদা সুশীল দা, আমাদের অতি কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ এবং খুব কাজের মানুষ, দীর্ঘদিনের সাথী, আমাদের এই এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে উনি বিশেষভাবে জড়িত আছেন। উনি এই এই ওয়ার্ডে এই এলাকায় এক্স কাউন্সিলর, কাউন্সিলর থাকাকালীনও নানান উন্নয়ন এবং সংস্কারমূলক কাজ করেছেন। মানুষের সুখে দুঃখে আপদে বিপদে আমরা সুশীল দাকে পাই। এখন আমরা এখন মেমেন্টো মেমেন্টো দেওয়া হচ্ছে, বিশেষভাবে সুশীল দাকে মেমেন্টো দিচ্ছেন আমাদের বরিষ্ঠ সিনিয়র সদস্য জনাব আসগর হোসেন সাহেব। আমরা আমাদের এখন আমাদের আমাদের বাড়ির ছেলে, আমাদের দাদা, আমাদের বড় ভাই, হ্যাঁ, রুকমান ভাইকে আমরা সংবর্ধনা দেব উত্তরীয়র মাধ্যমে। আমরা ওনাকে গ্রহণ করছি, আমরা বরণ করে নিচ্ছি, উত্তরীয় পড়াবেন। আমি অনুরোধ করছি আমাদের বরিষ্ঠ সিনিয়র সদস্য জনাব সাবের দা, সাবের ভাই, একসময়কার খুব ভালো প্লেয়ার, এই মাঠে অনেক খেলেছেন, আমাদের সাবের ভাই উত্তরীয় পড়িয়ে আমাদের রুকমান ভাইকে বরণ করে নিচ্ছেন এবং ব্যাচ পড়ানো হবে। এছাড়া একটি মেমেন্টো আছে, এসবই আমাদের দাদা আমাদের রুকমান ভাইয়ের জন্য। ওনার আশীর্বাদ, ওনার সহযোগিতা না পেলে এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে এত সুন্দরভাবে আয়োজন করা খুবই অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমি আবার ক্লাবের সকল সদস্যদের তরফ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি রুকমান ভাইয়ের প্রতি, এবং আমি আশা রাখছি আগামী দিনে আমরা এরকম আমার বড় ভাইকে আমরা সবসময় পাব। এখন আমাদের মধ্যে আছেন আমাদের 65 ব্লক প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট জনাব ইরফান সাহেব। ইনিও অনেক কাজের মানুষ, আমাদের সব সময় ইরফান ভাই আমাদের অভিভাবকের মতো, বড় ভাইয়ের মতো আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নানানভাবে হেল্প করেন। ইরফান ইনিও অনেক কাজের মানুষ, আমাদের সব সময় ইরফান ভাই আমাদের অভিভাবকের মতো, বড় ভাইয়ের মতো আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নানানভাবে হেল্প করেন ইরফান ভাইকে। ইরফান ভাইও আমাদের সব সময় খেলা চলছে, খেলা চলছে, খেলাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তবুও আমাদের এই অনুষ্ঠান চলবে। আমাদের ইউসুফ ভাই মেমেন্টো দিয়ে ইরফান ভাইকে বরণ করে নিচ্ছেন। পরবর্তী আমাদের অনুরোধ করব আমাদের আসিফ ভাই, ইনিও অনেক কাজের মানুষ, আমাদের সব সময় ইরফান ভাই আমাদের অভিভাবকের মতো, বড় ভাইয়ের মতো আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নানানভাবে হেল্প করেন। অনুরোধ করছি পরেশ ভাই উত্তরীয় পড়িয়ে আসিফ ভাইকে বরণ করে নেবেন। আমি জানি খেলা চলছে, এর মধ্যে আমাদের গেস্টদেরকেও, আমাদের মেহমানদেরকেও আমাদেরকে বরণ করতে হবে। ব্যাচ পড়াচ্ছেন আমাদের পরেশ ভাই, এক্স সেক্রেটারি অফ টিএনইউসি, এবং পরেশ ভাইও আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে খুব গাইড করেন। পরেশ ভাইয়ের অ্যাডভাইস আমাদের সবসময় কাজে লাগে, খুবই কাজের মানুষ,
সকলের সুখে দুঃখে পারভেজ ভাই থাকেন। এখন আমরা পরবর্তী আমাদের গেস্ট, ইনিও অনেক কাজের মানুষ, ইনিও অনেক কাজের মানুষ, আমাদের সব সময় ইরফান ভাই আমাদের অভিভাবকের মতো, বড় ভাইয়ের মতো আমাদের ক্লাবের সদস্যদের নানান ভাবে হেল্প করেন। আমাদের মধ্যে আছেন মাজার ভাই, খুব খেলা প্রেমী, ওনাকে উত্তরীয় পড়িয়ে বরণ করে নিচ্ছেন। স্যার সৈয়দ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র মেম্বার মাজার সাহেব, আমাদের মধ্যে আরেকজন বিশিষ্ট অতিথি আছেন, আমাদের এলাকার খুবই খুবই পপুলার মানুষ এবং খুব ভালো খেলেন, সন্টু ভাই। সন্টু ভাই এই মঞ্চের মধ্যমণি, বিশিষ্ট খেলোয়াড় এবং সমাজসেবী। সন্টু ভাইকে আমরা আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে বরণ করে নিচ্ছি। উত্তরীয় পড়াচ্ছেন আমাদের সেক্রেটারি, বর্তমান সেক্রেটারি ইরশাদ নাদিম। নাদিমকে আমি অনুরোধ করছি উত্তরীয় পড়িয়ে, একটা হাততালি হোক সন্টু ভাইয়ের জন্য। সন্টু ভাই ফুটবল খেলার বিশিষ্ট পারদর্শী প্লেয়ার, দিকে দিকে না নানান দিকে ওনার নাম আছে, পশ্চিমবঙ্গের নানান জায়গায় উনি খেলেছেন, নানান জায়গায় ওনার পরিচয় আছে, খেলা হচ্ছে এই জন্য বিশেষভাবে বলা যাচ্ছে না। আমরা আমাদের ক্লাবের তরফ থেকে সন্টু ভাইকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। মেমেন্টো দিচ্ছে ইরশাদ ভাই। এখন খেলা চলছে, পরবর্তী অনুষ্ঠান আমাদের এগিয়ে যাবে, এখন আপনারা খেলা সম্বন্ধে একটু আলোচনা শুন। নাঈম সাহেব সে গুজারিশ কিয়া যা রা হ্যায়, নাঈম ভাই আপ সে গুজারিশ কিয়া যা রা হ্যায় আপ স্টেজ পর তশরিফ লায়ে। নাঈম ভাই আপসে রিকোয়েস্ট কিয়া যা রা হ্যায় আপ কৃপা হামারে স্টেজ পর তশরিফ লায়ে। নাঈম ভাই আপকা বড়া যোগদান হ্যায়, আপকা বড়া কন্ট্রিবিউশন হ্যায় হামারে ইস। নাঈম ভাই জো হামারে দাদাকে সহযোগী হ্যায় আগে হ্যায়, নাঈম সাহেব হামারে বীচ হ্যায়, উনকা ভি বড়া যোগদান হ্যায় হামারে ইস টুর্নামেন্ট কো কামিয়াব করনে কে লিয়ে, কামিয়াব করনে কে পিছে। তো হামারে জাভেদ ভাই উত্তরীয় পহনাকর নাঈম সাহেব কো ফেলিসিটেট কর রহে হ্যায়, সঙ্গ মে মেমেন্টো হ্যায়, জাভেদ ভাই ব্যাচ পহনায়েঙ্গে, আর ইয়ে শুক্রিয়া আদা কিয়া যা রহা হ্যায় হামারে সভি মেহমানো কো। আপ লোক কা সহযোগ হ্যায় জিসকে বদৌলত আজ ইয়ে ইতনা বড়া টুর্নামেন্ট হাম লোগ স্টার্ট কর পায়ে হ্যায়। নাঈম ভাই বহুত বহুত শুকরিয়া, বহুত বহুত শুকরিয়া, এসে আপকা সাথ, আপ লোগো কা সাথ হামারে সাথ রহে। গুড 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 গুড। হামারে ইস ক্লাব কে বহুত হি পুরানে আর বহুত হি সিনিয়র মেম্বার, অনেক সিনিয়র, অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য এই মাঠে অনেক ফুটবল খেলা খেলেছেন সাবের ভাই। সাবের ভাইকে আমি অনুরোধ করছি, সাবের ভাইকে এখন উত্তরীয় পড়িয়ে, উত্তরীয় পড়াবেন আমাদের আরেকজন, আরেক সিনিয়র মেম্বার, আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট ইউসুফ সাহেব, আমাদের এক্স প্রেসিডেন্ট ইউসুফ সাহেব উত্তরীয় পড়াবেন আমাদের সাবের ভাইকে। সাবের ভাইয়ের আমাদের এই ক্লাব গঠনের পিছনে, ক্লাবের মধ্যে অনেক ওনার মেহনত, অনেক অবদান আছে, আমরা সেইটাকে অস্বীকার করতে পারবো না। এই ক্লাবকে তৈরি করার পিছনে, এই মাঠে এই খেলাধুলো হচ্ছে তাকে তৈরি করার জন্য আমাদের এই সব বড় সিনিয়র মেম্বাররা অনেক অনেক অবদান রেখেছে, অস্বীকার করতে পারবো না। এই ক্লাবকে তৈরি করার পিছনে, এই মাঠে এই খেলাধুলো হচ্ছে তাকে তৈরি করার জন্য আমাদের এই সব বড় সিনিয়র মেম্বাররা অনেক আমাদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। প্রদীপ ভাই যানি বড়কা ভাই আপ যাহা কহি ভি হো মঞ্চ কে উপর চলে আয়ে, প্রদীপ ভাই যানি হামারে বড়কা ভাই। প্রদীপ ভাই
प्रदीप भाई, अब्बास भाई और अफजल भाई, आप जहां कहीं भी हो मंच में आ जाए। अभी उत्तरीय और बैस से स्वागत करेंगे हमारे साजन भाई को इंशाल्लाह। साजन भाई को उत्तरीय पहना करके स्वागत कर रहे हैं हमारे नईम भाई। प्रदीप राय बड़का भाई जहां भी हो आप मंच में आ जाए। अफजल भाई, अब्बास भाई, प्रदीप भाई को उत्तरीय पहना देंगे नईम भाई। अफजल भाई और अब्बास भाई ऊपर आ जाएं। अफजल भाई, अब्बास भाई ऊपर आ जाएं। अफजल भाई, अब्बास भाई जहां भी हो ऊपर स्टेज में आ जाए। फास्टर्ड वो रफीक भाई, रफीक भाई, रफीक, ए रफीक, अफजल भाई को तोरियो पहनाएंगे हमारे साबिर भाई। अब्बास भाई, अब्बास भाई, यूसुफ भाई को पहनाएंगे। उत्तरीय एबार यूसुफ भाईर पाला, उनके उत्तरीय पड़िए देव हमारे दादा सुशील दा। हेलो, अब्बास भाई को पहनाएंगे रुकबान भाई। अब्बास भाई, रुकबान भाई, रुकबान भाई, अब्बास भाई को तोरियों से स्वागत कर रहे हैं रुकबान भाई हमारे। लास्ट दो मिनट स्टार्ट है। अब हमारे नवाब भाई को पहनाएंगे हमारे रफीक भाई। नवाब भाई, रफीक भाई हमारे बहुत पुराने तिलजला नवलमन क्लब के गोलकीपर रह चुके हैं। इधर इधर
एक मिनट जाइएगा नहीं आप जाइएगा नहीं आप परवेश भाई को बैच पहनाएंगे हमारे आसिफ भाई राजा जहां भी हो स्टेज में आए राजा राजा जहां भी हो स्टेज में आ जाए अब नवाब भाई को बैच बनाएंगे हमारे बप्पी भाई राजा जहां भी हो स्टेज में आ जाए राजा अगला मैच जारा स्पोर्टिंग क्लब ग्लैक्सो बॉयज क्लब ये दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश किया जा रहा है वो जल्द से जल्द मैदान पे आ जाए 14 नंबर बंटी इस गेम का मैन ऑफ द मैच मैदान के बीच में आई है सेंटर में आई है और पहला गेम का स्कोर हुआ है 3-1 मैदान के बीच में आए भाई इस गेम का मैन ऑफ द मैच बंटी 14 नंबर इसे जायरा स्पोर्टिंग गैलेक्सी बॉयज जल्द से जल्द अपना प्लेयर लिस्ट दे जायरा स्पोर्टिंग गैलेक्सी बॉयज जल्द से जल्द अपना प्लेयर लिस्ट नदीम भाई आप जहां कहीं बेहोश स्टेज पे चले आए नदीम भाई और अगला खेला जायरा स्पोर्टिंग क्लब गैलेक्सी बॉयज क्लब अभी हम गुजारिश हेलो हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे हमारे सीनियर मेंबर असगर भाई को उत्तरे पहनाएंगे हमारे एक्स प्रेसिडेंट यूसुफ भाई उत्तरियो बैच और मेमेंटो देके यूसुफ सर से गुजारिश किया जा रहा है असगर भाई यहाँ तशरीफ लाएं असगर भाई को उत्तरियो पहनाएंगे हमारे यूसुफ भाई बैच मेमेंटो और उत्तरीय पहनाकर उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है दोनों ही सीनियर मेंबर हैं और बड़ा योगदान है हमारे इस क्लब को क्लब के लिए इन्होंने काफी मेहनत किया बहुत है अच्छा। काफी कुर्बानियां इन लोगों के हेलो हेलो गेम हमको देख के बहुत ही अच्छा लगा अभी हाफ टाइम हो चुका है हाफ टाइम नहीं फुल टाइम खेला हो चुका है ग्राउंड खाली करो ग्राउंड खाली करो और नेक्स्ट गेम की तैयारी किया जा रहा है
नेक्स्ट गेम होगा जायरा स्पोर्टिंग क्लब और रायहान स्पोर्ट्स के बीच, सॉरी जायरा स्पोर्टिंग क्लब और गैलेक्सी बॉयज। अभी हम हमारे क्लब के सीनियर मेंबर राजा भाई से गुजारिश किया, जरा आप ऊपर मंच पे तशरीफ लाएं। जी राजा भाई को गुजारिश किया जा रहा है, राजा के अनुरोध करा हच्छे स्टेज आसार जन्य। आमादेर एक्स ट्रेजरर राजा, आमादेर आगेर कमिटी राजा, राजा के अनुरोध करा हच्छे, राजा के उत्तरीय पड़िए आमी रफीक भाई के आबार अनुरोध करछि। रफीक राउत भाई स्टेज के ऊपर जा, रफीक ऑपरेशन स्टेज के ऊपर जा। रफीक भाई स्टेज आसो, ऊपर आइए। बैच उत्तरीय और मेमेंटो देकर हमारे राजा भाई को फेलिसिटेट किया जाएगा। रफीक भाई आप ऊपर आए। रफीक हाँ दो, रफीक भाई हमारे बीच है। रफीक भाई अब उत्तरीय पहनाकर राजा भाई को फेलिसिटेट करेंगे, संग में बैच और मेमेंटो भी पेश किया जाए। बैच और मेमेंटो से हमारे राजा भाई को फेलिसिटेट किया जा रहा है। चारों तरफ खुशी का माहौल है और पहला गेम हो चुका है, अभी नेक्स्ट गेम की तैयारी हो रहा है। इसी बीच हमारे मेंबर्स को फेलिसिटेट किया जा रहा है और नेक्स्ट गेम की तैयारी अभी चल रहा है। मेमेंटो बैच और उत्तरियों से हाँ शुक्रिया अदा किया जा रहा है राजा भाई को। नेक्स्ट मैच के खेला है जायरा स्पोर्ट्स गैलेक्सी बॉयज। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है अपना प्लेयर लिस्ट जमा कर दे। जायरा स्पोर्ट्स के और आज दूसरा खेला चालू होने वाला है रिजर्व रहमान मेमोरियल ट्रॉफी। तिलियाला नूबियो यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज पे ये 3 दिन का खेला का सिलसिला चालू हो चुका है। मैं जिया घर में बुलाया बॉयज क्लब के टीम से गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वो मैदान पे आ जाए। আমাদের কে লেফারি কে অনুরোধ মাঠে আসুন, লেফারি গ্রাউন্ড মে আয়ে। और यूट्यूब में आलो चारों लता स्टूडियो ये पूरा लाइव खेला इस रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलियाला नूबियो यूनाइटेड क्लब ये पूरा खेला लाइव दिया जा रहा है। चारों लता स्टूडियो यूट्यूब में
और आज जो इतना रोशन देख रहे हैं मैदान, ग्राउंड खाली करे भाई, ग्राउंड खाली करे, वो एसआई इलेक्ट्रिक स्पोर्टिंग जल्द से जल्द पूरा डिक्लेरेशन उनका इलेक्ट्रिक का है, स्पोर्टिंग जल्द से जल्द ग्राउंड में आए एसआई इलेक्ट्रिक। जिसान जिसान हेलो हेलो, ये सेकंड गेम शुरू होने वाला है, सेकंड गेम होना है, जेआरआई स्पोर्ट्स वर्सेस गैलेक्सी बॉयज, दोनों कप्तान के गुजारिश से अपना प्लेयर लेके मैदान में उतरे। जायरा स्पोर्टिंग जल्द से जल्द ग्राउंड में आए, जयरा स्पोर्ट्स के गुजारिश है अपना टीम लेके मैदान में उतरे, जयरा स्पोर्ट्स अपना टीम लेके मैदान में उतरे। वॉलंटियर बॉल देखे, जायरा स्पोर्टिंग जल्द से जल्द ग्राउंड में है, जायरा स्पोर्टिंग जायरा स्पोर्टिंग जल्द से जल्द ग्राउंड में आए, नेक्स्ट गेम अभी चल रहा है, जायरा स्पोर्टिंग और हमारे बीच सऊद भाई है मेहमान। सऊद भाई जहां का भी हो आपसे गुजारिश किया जा रहा है, आपसे इल्तजा किया जा रहा है, आप कृपया हमारे मंच पे तशरीफ लाएं। सऊद भाई जो कि हमारे काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं इस इलाके में, सऊद भाई से गुजारिश किया जा रहा है आप हमारे स्टेज पर तशरीफ लाएं। सऊद भाई आप जहां कहीं भी हो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गुजारिश किया जा रहा है आप स्टेज पर तशरीफ लाए। हाँ अभी नेक्स्ट गेम स्टार्ट होने जा रहा है, प्लेयर्स ऑलरेडी मैदान पे आ चुके हैं, जायरा स्पोर्टिंग वर्सेस गैलेक्सी बॉयज वर्सेस जायरा स्पोर्टिंग क्लब का दरमियान ये मैच से गुजारी से शुरू होने जा रहा है।
काफी दिलचस्प होने होने वाला है ये मैच। इस मैच में हमारे इस मोहल्ले के कुछ बच्चे खेल रहे हैं। पाटिल तो उतर जाओ बाबू, पाटिल तो उतरो। सऊद भाई आ चुके हैं हमारे बीच, सऊद भाई हमारे बीच आ चुके हैं, उनको फेलिसिटेट करेंगे हमारे सीनियर मेंबर असगर भाई। असगर भाई से रिक्वेस्ट है उत्तरीय पहनाकर हमारे सऊद भाई को संवर्धित करें, फेलिसिटेट किया जाए। असगर भाई उत्तरीय पहनाकर फेलिसिटेशन दिया जा रहा है हमारे सऊद भाई को। साथ में एक बैच है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों को, सऊद भाई को भी और असगर भाई को भी। हाँ भाई, लारा भाई, जजमेंट और रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलगेरा लोबिनियो यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज पे आज इतना बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। हटाओ हटाओ लारा भाई, हटा दो, इस तरफ करो, एकदम अब तक पीछे। दाग का बाहर है भाई, सब दाग का बाहर है। पाचिल से उतर जाओ बाबू, पाचिल से उतर जाओ। गुड्डू भाई सबको दाग का बाहर करो। फरहान दाग का बाहर कर, फरहान दाग का बाहर कर। और ज़ारा स्पोर्टिंग ग्लासगो बॉयज का शुरू हो चुका है खेल। गैलेक्सी बॉयज
Zara Sporting Club. बॉल का तरफ ध्यान दे, वॉलंटियर बॉल देखे, वॉलंटियर बाहर बॉल किया, बॉल देखे, और शॉट मगर सही निशाना, बॉल बाहर किया है, बॉल बॉल इंटर बॉल देखे, पानी लाओ पानी, ग्राउंड खाली करो, ग्राउंड खाली करो, ये लेफ्टी से बहसता करे, लेफ्टी से बहसता करे, लेफ्टी डिसीजन फाइनल डिसीजन, ये शिवानी लेफ्टी का डिसीजन,
लेफरी से आप लोग कोई भी हुज्जती ना करें।
एफरी डिजन फाइनल डिजन वॉलंटियर पानी लेके आओ और हाफ टाइम बिना किसी स्कोर के और आज जो ये टूर्नामेंट हो रहा है रिजवानुर रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलियाला नोरोनियो यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज पे धक्का मार जाए भाई। कल्ला बाहर करो पाचिल से करंट है पूरा गोल और ये सेकेंड हाफ का कुछ ही मिनट में गोल हुआ
और ये आपस में ताल मेल ठीक नहीं होने की वजह से ये दूसरा गोल 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 बहुत खूबसूरत गोल गोल बहुत खूबसूरत गोल और ये लंबा एलोमेलो शॉर्ट बॉल माटे बाहर काउंटर अटैक में और 3-1 का रिजल्ट गोलकीपर चेंज हो रहा है रिजवानुल रहमान
Memorial Trophy, Tillela Navunio Union Club is organized pe aaj khela ho raha hai aur itna bada khela aur pura roshan diya hua light ka wo hai SI Electric. वॉलंटियर बोल देखे वॉलंटियर बोल देखे बॉल बाहर की है और ये लंबा सिक्स बॉल हाथ पे रख और चोट लगा है स्प्रे लेके आओ और इस गेम का पहला येलो कार्ड देखा गया और ये शॉर्ट मगर सही निशाना नहीं अच्छा गोलकीपिंग
बॉल के ऊपर ध्यान दे, बॉल इंटर, बॉल देखे कल्लंदर करे बाबू कल्लंदर, एट ए टाइम एक प्लेट और ये खेला खत्म। तीन एक का स्कोर बॉल इंडिया बॉल देखे। और आज जो आप लोग इस टूर्नामेंट देख रहे हैं रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलजला लोगों ने यूनियन क्लब बाइक का के ऑर्गेनाइज पे ये खेला हो रहा है। और मैं जनाब टीपू साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आने के लिए जनाब टीपू साहब इस टूर्नामेंट में उसका बहुत योगदान रहा है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हेल्पफुल वो शख्स टीपू जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आए। जिसान जिसान जनाब टीपू जी और जनाब टीपू जी एक अच्छे सोशल वर्कर, एक अच्छे इंसान और बहुत इस टूर्नामेंट में बहुत योगदान रहा है उनका। मैं टीपू जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आए। और जनाब टीपू जी जायरा स्पोर्टिंग का फैजान मैदान में आए, जायरा स्पोर्टिंग का फैजान। हेलो, तीन बोतल पानी ऊपर लेके आओ, तो कोई भी वॉलंटियर तीन बोतल पानी ऊपर लेके आओ। वॉलंटियर स्पोर्टिंग का फैजान मैदान में आए। टीपू जी से गुजारिश है वो मंच के ऊपर आए, मैदान में आए, बीच मैदान में आए। टीपू जी इस टूर्नामेंट में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और वो एक अच्छे सोशल वर्कर है। जनाब टीपू जी से गुजारिश है वो जल्द से जल्द मंच के ऊपर आए। टीपू जी गेम का मैन ऑफ द मैच हमारे यहां के बॉबी भाई देंगे। टीपू साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस क्लब की जानिब से तिलजला लोगों यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज पे ये टूर्नामेंट हो रहा है। और हमारे स्टेज पे हाजिर हो चुके हैं ग्राउंड खाली करे भाई, ग्राउंड खाली कर। और ये इस टूर्नामेंट में टीपू जी का बहुत बाबू ग्राउंड खाली करे, ग्राउंड खाली करे। खुद एक अच्छे इंसान, अच्छे सोशल वर्कर रजन जी, ये वाला मैच अपना आज का टीपू जी को बैच पहनाएंगे। ये वाला मैच आज का हम लोग का लास्ट है। थोड़ा जितने नीचे जोरदार एक बार ताली हो जाए, कम से कम ताली बजने से दो फायदा होगा, एक तो मच्छर नहीं काटेगा, दूसरा ठंडा नहीं लगेगा। और आज जो खेला हो रहा है रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलजला लोगों यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज से, और आज जो इतने रात को रोशन
जो दिए वो है एसआई इलेक्ट्रिक। वॉलंटियर चूना मारो, ग्राउंड में चूना मारो, नितेश चूना मार दे भाई, नितेश ग्राउंड खाली कर। हेलो, शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी और जूनियर कुश्ती यूनाइटेड से गुजारिश है वो अपना प्लेयर लेकर जल्द से जल्द मैदान में उतरे। शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी और जूनियर कुश्ती यूनाइटेड से गुजारिश है वो अपना प्लेयर लेकर जल्द से जल्द मैदान में उतरे। ग्राउंड खाली करे भाई, ग्राउंड खाली करे। हेलो, शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी और जूनियर कुश्ती यूनाइटेड से गुजारिश है वो अपना प्लेयर लेकर जल्द से जल्द मैदान में उतरे। स्टेज में तीन बोतल पानी लाए, स्टेज में तीन बोतल पानी लाए। विकी टूर्नामेंट सक्सेस होने का हाथ तिलजला नोबलमैन यूनियन स्पोर्टिंग क्लब का जनरल सेक्रेटरी इरशाद अली, उसका बहुत बहुत मेहनत है, उसके लिए हाथ ताली एक बार, इरशाद अली के लिए एक बार हाथ ताली। इस खेला का सक्सेस होने का बहुत मेहनत है दिलावर खान का, उसके लिए एक बार हाथ ताली, दिलावर खान के लिए हाथ ताली एक बार। हेलो, और सबसे ज्यादा हाथ हमारे टीएनयूसी के ट्रेजर मिस्टर विकी साहब का भी है, वो अपना नाम नहीं ले रहे अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा हाथ उनका और हसरत का है, हसरत जफर और विकी। तो यही कह दे कि रंग बदलने वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, तुझसे तो मेरे दुआ सुना बदल सके, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। आज ये टूर्नामेंट ग्राउंड खाली करे भाई, ग्राउंड खाली करे। रिजानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी के ऑर्गेनाइज जो आज इतने अच्छा से हो रहा है, क्लब के जितने मेंबर्स हैं सभी को सहे दिल से शुक्रिया अदा पेश करें कि उनका मेहनत आज रंग ला रहा है। ग्राउंड खाली करे भाई, शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी जल्द से जल्द ग्राउंड में आए। मैं रात बहुत हो चुका है और इस टूर्नामेंट का तीसरा खेला
चल रहा है, ये शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी और जूनियर कुश्तिया यूनाइटेड के तरफ से ये खेला होगा और मैं लेफरी से गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द वो मैदान पे जाए। स्टेडियम शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी जल्द से जल्द ग्राउंड में आए। ग्राउंड खाली करे भाई, ग्राउंड खाली करे। हेलो असगर भाई स्टेज पे जाइए, असगर भाई स्टेज पे जाइए। असगर भाई स्टेज पे जाइए भाई, असगर भाई भाई, ग्राउंड खाली करे भाई, ग्राउंड खाली करे। जूनियर कुश्तिया ग्राउंड खाली करे भाई, अपना सपोर्टर लोग को बोले बाहर जाने भाई। जूनियर कुश्तिया अपना सपोर्टर लोग को बोलिए ग्राउंड खाली करे। ग्राउंड खाली करो, ग्राउंड खाली करो। और ये खेला जूनियर कुश्तिया यूनाइटेड क्लब और शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी।
शमसुल उदय यूथ सोसाइटी जल्द से जल्द ग्राउंड में आए। जूनियर कुश्ती है, अपना सपोर्टर लोग को मार करिए। शमसुल उदय यूथ सोसाइटी के कैप्टन से गुजारिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मैदान में जूनियर कुश्ती अपने सपोर्टर लोग को मार जाने बोलिए। सपोर्टर लोग ग्राउंड का मार जाए भाई, सपोर्टर लोग ग्राउंड का मार जाए। वॉलंटियर बॉल देके बॉल मार गया। शमसुल उदय यूथ सोसाइटी के कैप्टन से गुजारिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो मैदान में उतरे, वक्त ना जाया करे। रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलजला नोबो यूनियन क्लब के जानिब से ये टूर्नामेंट हो रहा है। तमाम मेंबर्स को सही दिल से शुक्रिया अदा पेश किया, उन लोग का मेहनत आज रंग ला रहा है। धक्का मार जाए भाई, धक्का मार जाए। वॉलंटियर धक्का मार करो, धक्का मार करो। शमसुल उदय यूथ सोसाइटी जल्द से जल्द ग्राउंड में आए। धक्का मार कर, धक्का मार कर बाबू। लेफरी जल्द से जल्द ग्राउंड में आए, आप लेफ्ट ग्राउंड में आए। लेफरी आ रहा है, लेफरी को जगह दिए आने का ग्राउंड में। लेफरी आ रहा है, ग्राउंड में आने का जगह दिए लेफरी को। कल्ला मार कर भाई, कल्ला मार कर। पाची से उतरो, पाची से उतरो, पाची से नीचे उतरो।
धक्का मार जा भाई, धक्का मार जा। और ये खेला आप लोग लाइव देख सकते हैं यूट्यूब में, चारुलता स्टूडियो, ये लाइव दिखाया जा रहा है खेला। और इस टूर्नामेंट का तीसरा खेला रियानुर रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलजला नोबो यूनियन क्लब के ऑर्गेनाइज पे आज इस मैदान में रंग ला रहा है। फरीद धक्का मार जा, ए फरीद धक्का मार जा। बॉबी भाई धक्का मार जा, बॉबी भाई और इस टूर्नामेंट का तीसरा खेला का आगाज हो चुका है। अच्छा कोशिश, लेफ्ट का सारा फॉल और
और और अच्छा खेला देखने को मिला, अच्छा डिफेंस। Thank you.
अच्छा थ्रू पास। वॉलंटियर बॉल देखे, वॉलंटियर बॉल मार जोर से मारे मैदान का बाहर। वॉलंटियर बॉल देखे, बॉल की तरफ ध्यान दे भाई। ग्राउंड में कोई नहीं आए, वॉलंटियर पानी लेके आओ। ग्राउंड में कोई ना आए, ग्राउंड में कोई ना आए। और यह हाफ टाइम बिना किसी स्कोर के, ये इस टूर्नामेंट का तीसरा खेला हो रहा है और हाफ टाइम हो चुका है, कोई स्कोर नहीं। शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी और जूनियर कुश्तिया यूनाइटेड। बाहर जाके झमेला करे भाई, इधर से इधर पहले झमेला करे। yes, बाहर जाके yes. झमेला करे भाई, 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 बाहर जाओ भाई, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ भाई, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए, नहीं नहीं, बाहर जाइए, बाहर जाइए, बाहर जाइए। और ये खेला का, इस टूर्नामेंट का तीसरा खेला जो हाफ टाइम हो चुका है,
मैदान खाली कर दें, आप लोग मैदान खाली कर दें, ज्यादा वक्त जाया ना करें। और ये खेला चल रहा है शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी जूनियर कुश्तिया यूनाइटेड से। और आज का ये टूर्नामेंट जो रंग ला रहा है इस मोहल्ले में वह है रिजानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तिलजदाल यूनियन क्लब ऑर्गेनाइज पे आज इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जो कलकत्ता में बहुत कम देखा जाता है। ये चीज, ये इकाई, ये मिलन इस क्लब का। और आज जॉर्ज रॉबसन इस मैदान को किए हुए हैं एसआई इलेक्ट्रिक, जो पूरा लाइट डेकोरेशन सभी किए हैं एसआई इलेक्ट्रिक। बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लब के तरफ से। और इस खेल का अब तक स्कोर नहीं हुआ है। शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी 0 जूनियर कुश्तिया यूनाइटेड 0। ग्राउंड का भार जाए, मैदान का भार जाए। जजमेंट, जजमेंट कौन है? वॉलंटियर बॉल देके बॉल में जान दे। रेफरी से नो कमेंट, रेफरी डिसीजन फाइनल डिसीजन। और इस गेम का पहला येलो कार्ड, बहुत अच्छा इन लोग रेफरी खिला रहे हैं। और रेफरी डिसीजन इज अ फाइनल डिसीजन। और ये फॉल का इशारा, बहुत अच्छा। बॉल इंटर, बॉल देखे, बॉल मार गया। और बॉल का तो ध्यान दे, बॉल हाथ में रखे। बाबू बोल लो। और एक येलो कार्ड, बाबू बोल लो। और एक येलो,
वजह से खेला बंद है। और बहुत अच्छा बचाए। आज रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी जो ऑर्गेनाइज त्रिजला यूनियन क्लब के जितने मेंबर्स है सभी को दिल से शुक्रिया अदा पेश किया जा रहा है। जितना मेहनत इन्होंने किया है और अंधियारों को रोशनी में बदलने वाले एसआई इलेक्ट्रिक अच्छा ट्राई और अच्छा सेव, बहुत अच्छा सेव। और ये बहुत अच्छा गोल, बहुत खूबसूरत गोल, आपस में तालमेल। और ये बहुत अच्छा गोल, बहुत खूबसूरत गोल दिखाया जा रहा है। स्प्रे दो स्प्रे। और लाइव चिरुलता स्टूडियो यूट्यूब में लाइव दिखाया जा रहा है इस गेम को। फॉल कैसा है? कॉर्नर का इशारा लेफ्टी का। और अच्छा पास मांगकर कामयाबी हासिल नहीं हुआ। और ये गेम डे नाइट नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है
रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। रिजवानुल रहमान टूर्नामेंट हो रहा है, डे नाइट नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट। फॉल कैसा याख और ये गोलकीपर को येलो कार्ड वक्त जाया करने के लिए। और ये फॉल कैसा है और ये फॉल कैसा है, फॉल का रिप्ले दिखाया गया। ये रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी जिसके ऑर्गेनाइज यूनाइटेड यूनियन क्लब के जानिब से हो रहा है, डे नाइट नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट। अच्छा सेव, अच्छा सेव।
और ये बहुत अच्छा वॉलंटियर बॉल देंगे, बॉल मार गया वॉलंटियर बॉल देंगे और ये बहुत अच्छा वॉलंटियर बॉल देंगे, बॉल मार गया और ये बहुत अच्छा गोल। और ये बहुत अच्छा गोल और ये एक्स्ट्रा टाइम दो मिनट का वक्त बताया गया। समसुल होता यूथ सोसाइटी 2 जूनियर कुश्तिया यूनाइटेड 0। फॉल कैसा रहा? और इस टूर्नामेंट का पहला दिन का आखिरी खेला कल खेला 3 बजे से चालू हो जाएगा। आज रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी और इसके ऑर्गेनाइज पूरा मेहनत किए हैं जो पूरे एक होकर तेलंगाना यूनियन क्लब के जितने मेंबर्स हैं और ये बॉल हाथ पे लो, बॉल हाथ पे लो, बॉल हाथ पे लो, समाप्त, बॉल हाथ पे लो। और ये बॉल हाथ पे लो, बॉल हाथ पे लो, बॉल हाथ पे लो, समाप्त शुरू होगा। और लेफरी को इस क्लब की तरफ से बहुत-बहुत थैंक्स, कितना अच्छा लेफरी खिलाए हैं। और आज जो ये टूर्नामेंट हो रहा है रिजवानुल रहमान मेमोरियल ट्रॉफी तेलंगाना यूनियन क्लब के जानिब से शमसुल हुदा यूथ सोसाइटी के सनाबाद ग्राउंड में आए। इस गेम का मैन ऑफ द मैच सनाबाद जिसे देंगे, इस गेम का मैन ऑफ द मैच जिसे देंगे वो है तिलंगाना नोबलमैन के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद असगर।